प्रथम तहलका न्यूज़। और अम्बाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइन पर अम्बाला में डीईओ उमा शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। दरअसल डीईओ उमा शर्मा ने बताया कि सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर एक बैठक की गई, जिसमें प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अधिकारियों ने अभिभावकों और पत्रकारों से राय मांगी। राय पर सहमति बनने के आधार पर बनाई गई गाइडलाइंस पर स्कूल खोले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मामले में निजी स्कूल संचालकों, सरकारी स्कूल के स्टाफ ने दी अपनी राय। दरअसल निजी स्कूल के संचालक का कहना है कि स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जानी चाहिए। वही अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा पर सरकार और स्कूल पूरा ध्यान दे, ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है ताकि ये महामारी ना फैले और बच्चे सुरक्षित रहे। अभिभावकों ने अपनी राय देते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा पर सरकार और स्कूल पूरा ध्यान दे, जिससे कि बच्चों को महामारी से बचाया जा सके। तो अब की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वही निजी स्कूल संचालक का कहना है कि स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के अधिकारियों ने अभिभावकों और पत्रकारों से राय मांगी। बता दें कि ये बैठक डीईओ उमा शर्मा की अध्यक्षता में हुई। राय पर सहमति बनने के आधार पर जो गाइडलाइंस तैयार की गई है, उसी आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के मामले में निजी स्कूल संचालकों और सरकारी स्कूल के स्टाफ ने अपनी अपनी राय दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, साथ ही अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा पर सरकार और स्कूल दोनों ध्यान दे, ये दोनों की जिम्मेवारी होगी ताकि बच्चों को महामारी से बचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर। इसमें हमें निदेशालय की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था कि सभी जो अभिभावक संघ हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, मीडिया के प्रभारी हैं और साथ ही हमारे जो अभिभावक हैं, उन सब से ये सुझाव लिए जाएं कि आगामी समय में कोरोना महामारी के चलते किस तरह से स्कूलों को खोलने के लिए सुझाव आते हैं, क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं और बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से और बेहतर आगे, अगर स्कूल खुलने की स्थिति में नहीं रहते तो किस तरह से हम अपने बेहतर सुझाव देकर स्कूलों को और बच्चों के फ़ायदे की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे पास सभी ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन के लोग थे, हमारे जो अभिभावक संघ के लोग थे, हमारे जो अध्यापक संगठन के लोग थे, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे, गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे, सब ने अपने बेहतर सुझाव प्रस्तुत किए हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह का बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो और किस तरह से, किस प्लानिंग के साथ हम स्कूल्स को खोल सकते हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, कि स्कूल के अंदर किस तरह से हम बच्चों के बैठने का इंतजाम सुनिश्चित कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों की जो हेल्थ हाइजीन है उसका प्रॉपर ध्यान रखते हुए और बच्चों को कोरोना जैसी महामारी को बचाते हुए हम किस तरह से बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुचारू कर सकते हैं, इन सब पे मिलकर सब ने बहुत ही सकारात्मक रूप से अपनी बातचीत की है। हमने ये सुझाव दिया है कि स्कूल खोलने का निर्णय सरकार का अंतिम होना चाहिए कि जब उसको उचित लगे तब वो स्कूल खोले, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक बहुत अहम है। अगर पेरेंट्स से समझते हैं कि स्कूल इस बात को नहीं समझता तो स्कूल भी इस बात को समझता है। दूसरा, जो सैनिटाइजेशन के इसके बहुत इन बातों को लेकर स्कूलों पे जो खर्चे होंगे उसमें लोकल बॉडी डिपार्टमेंट उसमें जिम्मेदारी ले, और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम कहते हैं कि स्कूल को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पूरी गाइडलाइन को बड़े अच्छे तरीके से माने, तो ये हमने सुझाव सरकार को इस बातों को लेकर दिए। स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय मैं कहता हूँ सरकार का है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, फिर शिक्षा है। शिक्षा से भी बच्चों को वंचित रहना नहीं चाहिए, उसके अलग अलग उपाय हैं जैसे ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, तो वो भी तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उस पर ये देखना पड़ेगा कि कितना उस पर खर्च आएगा, क्या सिस्टम होगा। शिक्षा से वंचित नहीं, स्कूल खोलने चाहिए मैं चाहता हूँ, लेकिन निर्णय सरकार का हो। ये मत सोचें कि स्कूल वाले स्कूल खोलना चाहते हैं, निर्णय अभिभावकों का और सरकार का हो। हमने सरकार से कोई सुविधा की मांग नहीं की। हमने कहा जो सैनिटाइजेशन के खर्चे होने हैं, 25 पैसे स्क्वायर फुट खर्चा है, हर छोटे से छोटे स्कूल का डेली हज़ारों रुपए का खर्च पड़ेगा, और अभिभावक भी इस समय टूटे हुए, कोर्ट्स भी ऑर्डर कर रहा है कि सिर्फ ट्यूशन फी ली जाए, तो ये जो खर्चे हैं वो सरकार वहन करे और स्कूलों को सैनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी सरकार ले। ये एक
बहुत ही अच्छा प्रयास था सरकार का सब स्टेक होल्डर्स को लेकर एक डिस्कशन पैनल बनाने का और उन सबसे सजेशंस लेने का। ये एक तरह की अनूठी पहल है इस बार सरकार की और इसमें सब लोग इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं अपने आप को और एक बहुत अच्छा सा माहौल बना यहाँ। और बेस्ट पार्ट था इसमें मीडिया भी इन्वाइट किया गया था अपनी सजेशंस के लिए। सरकार विभिन्न तरह के 13 पॉइंट थे जिसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है गवर्नमेंट और सजेशंस मांग रही है, वो कोई भी नेगेटिव हो कोई भी पॉजिटिव हो। तो एज एसोसिएशन, एज CBSE स्कूल एसोसिएशन, जिन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखा तो हमने यही रखा कि अभी भी कुछ भी कह लो, बच्चा हमारे लिए सबसे सुप्रीम है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी हैं, जैसे कि हाफ डे पे स्कूल आना, सरकार से मांग की है कि सैनिटाइजेशन को बराबर रखा जाए, जैसे सरकारी स्कूल में हो रही है सैनिटाइजेशन वैसे प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए और ये सैनिटाइजेशन का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए ताकि इसमें कोई कोताही ना बरत सके। अगर ये प्राइवेट स्कूल को दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके स्टैंडर्ड में क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमने सरकार को सबमिट किया। और दूसरा पॉइंट जो मेन हमने सबमिट किया वो ये किया कि एक बार स्टाफ को इमिडिएटली आने की परमिशन दी जाए ताकि इस बारे में हम भी आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, स्टाफ पिछला काम भी चेक कर सके और आगे के लिए स्ट्रेटेजाइज भी कर दिया जा सके, ताकि अभी इस टाइम हमारे को सिर्फ एडमिन स्टाफ बुलाने की इजाज़त है।